तो गाइस एल्विश यादव ने रिएक्ट किया है प्राची निगम के ऊपर। तो प्राची निगम में आपको बता दूं यूपी बोर्ड में टॉप करने वाली स्टूडेंट है जिन्होंने 2024 में यूपी बोर्ड में टॉप किया है सबसे ज्यादा परसेंटेज लाकर। तो प्राची निगम को काफी ज्यादा सराहना मिली है पूरे इंडिया में, बट उसी के साथ साथ उनको काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जाने लगा उनके फेशियल हेयर्स की वजह से। उनके फेस के ऊपर काफी ज्यादा हेयर्स होने की वजह से उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा, उनके ऊपर काफी ज्यादा ट्रोलिंग होने लगी और काफी ज्यादा मीम्स भी बनने लगे। तो इसी चीज के ऊपर एल्विश यादव ने भी अपना रिएक्शन दिया उनके रिसेंट व्लॉग में। रिएक्शन देते हुए उन्होंने क्या बोला है प्राची निगम के बारे में, आप आगे वीडियो में देखो। तो भाई वो लड़की का इंटरव्यू देख रहा मैं, लड़की कहती कि मैं ट्रेंडिंग में रही 2-3 दिन 4 दिन जिसमें मेरा खूब मजाक बनाया गया। तो ऐसे ही हो जाता था कि मेरे 1-2 नंबर कमी आ जाते कि मैं टॉपर ही ना बनती। खुशी मनाने के टाइम पे अगर ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाए तो बहुत ही दिमाग पे असर पड़ता है, मतलब एक इंसान डीमोटिवेट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि यार एक तो मैंने इतना पढ़ाई करके नंबर लिया और मेरा मजाक भी उड़ रहा है इस वाली बात पे कि मेरी शक्ल सूरत कैसी है। भाई वो तो भगवान की देन है यार, किसी की शक्ल सूरत किसी के हाथ में थोड़ी है। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा देख के कि यार इतनी मेहनती बच्ची टॉप करा जिसने, उसको डीमोटिवेट होते देख के। एज भी इतनी पढ़ाकू भी, सोशल मीडिया का इतना ज्ञान नहीं यार, किसी के अपीयरेंस का तो मजाक उड़ा रहे हो, तो बहुत बुरा लगता है। और इसी के साथ साथ एल्विश यादव मिले थे मैक्सटन से, जहाँ पे उन्होंने बताया कि वो दोनों मिलके कोर्ट जा रहे थे। तो मैं आपको बता दूं जब एल्विश यादव और मैक्सटन की फाइट हुई थी तब मैक्सटन ने एल्विश यादव के खिलाफ एक केस किया था जिसको क्लियर करने के लिए वो दोनों कोर्ट जा रहे थे। दोनों का कॉम्प्रोमाइज तो हो चुका है बट उस कोर्ट में अभी तक हियरिंग्स वगैरह चल रही है, तो उसी की वजह से उन दोनों को कोर्ट जाना पड़ता है बार बार। तो इसी चीज के ऊपर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया कि कैसे उन दोनों से गलती हो गई और इसी की वजह से उनको बार बार कोर्ट जाना पड़ रहा है। कि जिंदगी में हम ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं जिनका भुगतान हमें बाद में करना पड़ता है। अब जैसे सपोज मैं उस टाइम ना जाता, हमारी लड़ाई ना होती, तो आज ये दिन ना देख रहे होते। मैक्सटन भाई बाद में सुन के मेरे पास आ जाते तो आज हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगाने पड़ते। अब इतनी दूर से आते हो भाई तुम, है ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। सिर्फ एक साइन करने, क्यों, क्योंकि भाई ने लीगल कंप्लेंट कर रखी थी। तो गाइस अगली जो न्यूज है वो है ध्रुव राठी के बारे में। तो जैसे कि आपको मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि काफी फेक न्यूज फैलाई जा रही थी ध्रुव राठी के खिलाफ कि वो पाकिस्तान से हैं और उनके फादर इन लॉ भी पाकिस्तान से हैं, बट ये जो न्यूज थी वो फेक थी। ध्रुव राठी ने इस चीज को क्लियर कर दिया था, बट काफी जगह ये भी फैलाया जा रहा था कि उनके जो व्यूअर्स हैं, मतलब उनके जो मोस्टली व्यूअर्स हैं वो भी पाकिस्तान से हैं। उनकी जो मैक्सिमम जनता है जो उनको देखती है, जो उनके वीडियोस देखती है, वो पाकिस्तान से। तो इसी चीज को क्लियर करते हुए उन्होंने अपने यूट्यूब एनालिटिक्स ही डाल दिया सोशल मीडिया अकाउंट पर, जहाँ पे आप क्लियरली ये देख सकते हो कि जो उनके मैक्सिमम व्यूअर्स हैं वो इंडिया से ही हैं। 80% जनता जो है उनको इंडिया से देखती है और बाकी के जो बचे हुए व्यूअर्स हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और यूएसए से हैं। तो इस चीज को तो क्लियर कर दिया ध्रुव राठी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। तो गाइस अगली जो न्यूज है वो है मुंबई एयरपोर्ट से आ रही थी। मुंबई एयरपोर्ट से एक फोटो काफी ज्यादा वायरल जाने लगा, जहाँ पे आप क्लियरली ये देख सकते हो कि वहाँ पे जो पानी पूरी बिक रही है वो 333 रुपए की बिक रही है, मतलब इतनी ज्यादा महंगी पानी पूरी बिक रही है मुंबई एयरपोर्ट पे। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने सबसे ज्यादा महंगी पानी पूरी कहाँ खाई है।